नमस्ते, आज मैं आपको IRCTC डाइनिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। IRCTC डाइनिंग रूम बुक करने के लिए आपके पास एक रिज़र्व टिकट होनी चाहिए। IRCTC डाइनिंग रूम बुक करने के लिए आपको www.rr.irctctourism.com पर जाना होगा। उसके बाद उसमें लॉगिन करनी होगी। IRCTC का रजिस्टर्ड यूज़र ID और पासवर्ड आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको PNR एंटर करना होगा, जो भी आपके टिकट पे लिखा होगा। सर्च करेंगे IRCTC डाइनिंग रूम, आप दो जगहों से ले सकते हैं, एक जहाँ से आपकी ट्रेन है और एक जहाँ पे आप उतरेंगे। तो मुझे डेस्टिनेशन पर ही चाहिए, तो मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको चेकिंग डेट सेलेक्ट करना है। आप अगले 2 दिनों तक, मतलब 48 आवर्स तक की डेट में चेकिंग कर सकते हैं। मैंने 30 का डेट सेलेक्ट किया है, 30 अगस्त का। और एक मॉर्निंग की स्लॉट होती है, एक नाइट की स्लॉट होती है, तो मैंने मॉर्निंग वाली स्लॉट सेलेक्ट की है। कितने घंटों के लिए आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करिए, कहीं कहीं 48 आवर्स तक भी मिलता है। उसके बाद जैसा रूम चाहिए, मैंने मेल डॉर्मेट्री सेलेक्ट किया है और चेक अवेलेबिलिटी पे जाएंगे। ये देखिए, बहुत सारे डॉर्मेट्री खाली हैं। मैंने L11 सेलेक्ट किया है, L मतलब लोअर, U मतलब अपर, और प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा, और उसके बाद डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पे टच करेंगे। उसके बाद फाइनल पेज आएगा और आप यहाँ से एक्सेप्ट करके मेक पेमेंट पे जाएंगे और पेमेंट करेंगे। IRCTC रिटायरिंग रूम की बुकिंग आप अराइवल के नेक्स्ट 48 आवर्स तक कर सकते हैं और डिपार्चर से बिफोर 48 आवर्स तक भी कर सकते हैं। अगर आपका अराइवल और डिपार्चर एक ही सिटी से है, तो आप 2 टिकट्स के PNR पे आप 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए भी स्टे कर सकते हैं। धन्यवाद।